श्री सुदामा प्रसाद। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरकार हमसे खजाने की चाबी मांग रही है कि खजाने का चाबी दिया जाए पैसा खर्च करने के लिए। तो ये खजाने की चाबी इसलिए दी जाए ताकि आम जनों की जो हित में लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें ये भारी कटौती करके दोनों हाथों से अपने कॉरपोरेट मित्रों पर धन की वर्षा कर सकें, इसलिए तो चाबी नहीं दी जाएगी। इस देश में करोड़ों दलित, आदिवासी, भूमिहीन, जमीन के अभाव में समुद्र के किनारे, नहर के किनारे, सड़क के किनारे, आहार पोखर के पिंड पर एक झोपड़ी लगा करके, एक पॉलिथीन तान करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं और सरकार कह रही कि हम बहुत रॉकेट की गति से विकास कर रहे हैं। तो महोदय, जिन लोगों का इस देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भारी योगदान है, वो खेतों में खट करके अनाज पैदा करते हैं, देश का पेट भरते हैं, वे बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से धुआं निकालकर उत्पादन में सहयोग देते हैं, मेहनत करके सुंदर सड़कें बनाते हैं, ऊंची गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं, पूरे देश को अपने श्रम से स्वर्ग बना रहे हैं और उनको रहने के लिए मैंने कहा जाए कि नरक में जगह मिला है, और उस नरक में भी उनको शांति से रहने का अधिकार नहीं है। विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर हमेशा उनकी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जाता है। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि देश में वो भूमि सुधार लागू करे। देश में अभी बिहार में 2010 में भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ था, जिस आयोग ने कहा कि 21,85,000 एकड़ जमीन सीलिंग से फाजिल जमीन है, सरकारी जमीन है, जिस जमीन पर भूमि माफियाओं का, बहुत स्वामियों का राइफल बंदूक के बल पर कब्जा है, इस जमीन को भूमिहीनों में बांटना चाहिए। और आयोग की सिफारिश यह भी थी कि बटाईदारी पर ज़्यादा खेती हो रही है, इसलिए कृषि बजट का लाभ दिलाने के लिए बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाए। ये बिहार एक राज्य की बात है, पूरे देश में करोड़ों एकड़ ऐसी जमीन होगी, सरकारी जमीन और सीलिंग से फाजिल जमीन। मेरी मांग है आपके माध्यम से सरकार से कि देश में भूमि सुधार लागू किया जाए और भूमिहीनों को खेती लायक जमीन और बासगीत जमीन दिया जाए। ये मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। दूसरी बात कि 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है। महोदय, पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। ये पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था, और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं, रिक्शा टेम्पो ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते, वो गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं सहारा इंडिया के, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मार्फत दिलवाया जाए निवेशकों को। ये पेट पर लात पड़ रहा है उनका, कहे कि हुक उठती है जब वो हमसे कहते हैं, उनके अंदर हुक उठती है। तीसरी बात ये महोदय कि हमारे आरा संसदीय क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती हो रही है। जब पावर इतना पैदा हो रहा है देश में तो ये कटौती क्यों? आधा घंटा बिजली रहती है, 3 घंटा गायब। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो 1 सप्ताह में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जर्जर तारों के गिरने के वजह से जो है वो कितने गरीब लोगों की मौत हो गई तार में सट करके। ये
जबरदस्ती गांव का लाइन काटने का दबाव देकर के स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अभी बड़ा खरौनी शाहपुर में एक गांव है, वहां ये प्रयोग चला। ये स्मार्ट मीटर जो है लोगों का खून चूस रहा है। आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दबाव नहीं दिया जाए, जनता पर दबाव नहीं दिया जाए कि स्मार्ट मीटर लगाना है और नहीं तो लाइन काट देंगे। और भारी बिजली का बिल आ रहा है, बिहार में सबसे ज़्यादा महंगे दर पर बिजली मिल रही है, इस पर रोक लगाई जाए। और हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि हाँ पावर मिनिस्टर के हारे पावर चली गई जिले की, ये माने इस पर रोक लगाया जाए बिजली के देख रेख पर। और अंतिम बात महोदय, कुछ डिमांड है सरकार से हम लोगों की कि जो 30 लाख पद हैं केंद्र सरकार में खाली, उनको जल्द से जल्द भरा जाए और ये ठेका प्रथा खत्म किया जाए। ठेका प्रथा एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार भी ठेके पर चलने लगेगी। अगर ठेका प्रथा पर रोक नहीं लगाया गया तो ये सरकार भी ठेके पर चलेगी, इसलिए ठेका प्रथा पर रोक लगाइए। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जो जितने स्कीम वर्कर हैं सबको सरकार स्थायी करे, उनका वेतनमान तय करे, और जो चार श्रम कोड लाए गए हैं मजदूरों के खिलाफ में उसको सरकार रद्द करे। और अंतिम बात महोदय, स्पीच आरा में महोदय एक अंतिम मांग है। आरा में जो है एक माने आधुनिक सुविधाओं से जो हेली एम्बुलेंस सहित एक ट्रामा सेंटर का इंतजाम किया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि डालमिया नगर में जो कारखाना बंद हो गया है वहाँ रेल फैक्ट्री लगाया जाएगा, तो वो लगाया जाए और इंदुपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण, अस्तोन नहरों का आधुनिकीकरण किया जाए, और ये कहा जाए कि नबी नगर की NTPC इकाइयों के क्या है ये, हाँ CR फंड का स्थानीय विकास में इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद श्री के।